बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्यक्ष जी, छोटी पार्टियों की तरफ भी आपने ध्यान दिया और मैं तो खुद ही पार्टी हूं, अकेले ही हूं, खुद ही विप हूं, खुद ही प्रधान हूं। आप विषय में आए हो, सब्जेक्ट में प्लीज कम टू द पॉइंट। तो मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे तो हाथ ही खड़ा करना होता है बस। इधर कांग्रेस की तरफ से तो उनका विप जो है वो लिस्ट बनाते हैं। आप डिमांड में आए हो जी। आज टूरिज्म पर जो डिबेट चल रही है, मैं उस पर अपना पक्ष रखना चाहता हूं। जो पंजाब है वो कई तरह से टूरिज्म के लिए एक बेहतरीन प्लेस है, एक बेहतरीन स्थान है। सर, हमारे पास गोल्डन टेंपल है अमृतसर साहब में, जहां लाखों की तादाद में श्रद्धालु हर रोज दर्शन करने आते हैं। दुर्गियाना मंदिर है अमृतसर में, राम तीर्थ है, वाल्मीक मंदिर है, तो उसको भी प्रमोट करना चाहिए। और साथ में मैं ये कहूंगा, खटखट कला है, शहीद भगत सिंह का नेटिव गांव खटखट कला, यहां उनकी मूर्ति भी लगी है, उनका म्यूजियम भी बना है। सर, अगर महात्मा गांधी जी की ऐनक और महात्मा गांधी जी की एशेस, उनकी अस्थियां रखी जा सकती हैं, तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को जो जिस रस्से से फांसी दी गई थी, जिस उन पवित्र गले में जो कोट लखपत लाहौर जेल में जिस रस्से से उनको फांसी दी गई थी, वो रस्सा भी वहां रखा जा सकता है। लोग दर्शन करने आ सकते हैं उस रस्से का, क्योंकि जिन्होंने हमें देश लेके दिया, सर, देश लेके दिया, जिन्होंने 22 साल की उम्र में उन्होंने कुर्बानियां दी। सर भाखड़ा नंगल है हमारे पास, सतलुज सदन। मैं सभी मेरे बीजेपी के भी साथियों को आमंत्रित करूंगा। मैं सर बोले बोले सर, घंटी की तरफ आपका हाथ ना जाए, मैं यही दुआ करूंगा। सर, भाखड़ा नंगल है, सतलुज सदन है वहां पे, जहां जवाहरलाल नेहरू ठहरे थे, वो कमरा ही रिजर्व कर दिया गया। अगर आप एक बार उपाध्यक्ष जी सतलुज सदन में आएंगे, आपको वैनकूवर की झलक मिलेगी, नीले रंग का सतलुज, एक झील है वहां पे। भाखड़ा नंगल को टूरिज्म के तौर पे डेवलप किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात उपाध्यक्ष जी, जब भी कोई कनाडा से, अमेरिका से हमारे दोस्त भी आते हैं, सर यहां पोल्यूशन है, यहां पीने का पानी की चिंता है, और सबसे बड़ी बात है, एक मेरा दोस्त आया अपने बच्चों को अपना गांव दिखाने, पहले ही दिन पुलिस वाले ने रोक कर उसको थप्पड़ मार दिया। उसके बच्चे ने कहा, पापा मैं अब दोबारा इस देश में नहीं आऊंगा। सर, उनकी इज्जत होनी चाहिए, टूरिस्टों की इज्जत होनी चाहिए, उनको यहाँ पे माहौल मिलना चाहिए। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि संसारपुर और मिठापुर दो गांव है सर, जलंधर जिले के, एक एक गांव के 10-10 ओलंपियन है। एक गांव के प्रगट सिंह हमारी टीम के जो कप्तान रहे हैं, मिठापुर गांव के हैं। संसारपुर और मिठापुर को स्पोर्ट्स के लिए, उनको टूरिज्म के लिए दिखाना चाहिए। मैं यही कहना चाहूंगा, हम सबको कहेंगे वेलकम जी। धन्यवाद हनुमान बेनीवाल जी। आधा मिनट मेरा दे दो मान साहब को। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने पर्यटन की इस महत्वपूर्ण डिमांड पे बोलने के लिए मुझे समय दिया। निश्चित रूप से हिंदुस्तान के अंदर